हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मेरा पहला सोलो ट्रिप है जो कि देहरादून टू वाराणसी का है। एंड अभी मैं हूँ सहारनपुर रेलवे स्टेशन पे और मेरी ट्रेन है रात के 11:30 बजे की। तो गाइस, वेट करते हैं कब आती है ट्रेन और उसके बाद करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। तो गाइस, फाइनली आ चुकी है ट्रेन और मेरा है। तो गाइस, फाइनली पहुंच चुका हूँ वाराणसी और गर्मी ना बेहिसाब है, अराउंड 45 डिग्री टेम्परेचर है। तो गाइस, पहले मैं करता हूँ अपने यहाँ से कैब और उसके बाद निकलता हूँ सीधे अपने होटल में। सो गाइस, फाइनली मैं निकल चुका हूँ होटल में। होटल में मैंने रूम ले लिया है और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से 80 घाट। यहाँ पे नाम है घाट का, 80 घाट बड़ा फेमस है और वहाँ पे होती है हमारी शाम की गंगा आरती। तो पूरा वो भी घूमेंगे और साथ साथ बोट में जाके पूरा ट्रैवल करके आएंगे, पूरे घाट के दर्शन कराते हैं पूरे बोट में। तो गाइस, फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ 80 घाट पे और यहाँ पे ना पूरा तैयारी हो चुकी है गंगा आरती की। मेरे पीछे देख सकते हो आप, सब कुछ तैयार हो चुका है, काफ़ी सारे लोग भी बैठे हैं सामने देखो आप, और इस तरफ भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो दोनों तरफ पूरी गंगा आरती होती है और सामने है गंगा। तो समय है इसका पूरा तकरीबन 7 बजे और 7 बजे से स्टार्ट होती है। तो आज मिला है मुझे मौका यहाँ पे आने का और गंगा आरती के दर्शन करने का। तो वेट करते हैं कब स्टार्ट होती है। सुबह जैसे कि आप मेरे पीछे देख सक रहे हो कि पूरा क्राउड भर चुका है सामने भी और इधर भी भर चुका है और गंगा आरती जल्दी ही शुरू होने वाली है। ये देखिए आप, पूरा क्राउड भरा हुआ है यहाँ पर गंगा आरती का इंतजार करते हुए कब शुरू होगी और बस जल्दी ही शुरू होने वाली है। ये देख लीजिए आप। गाइस, मेरे पीछे जो है ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली है और आप सामने देख सकते हैं कि पंडित जी भी आ गए हैं और जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है गंगा आरती। फाइनली स्टार्ट होने वाली है, पूजा स्टार्ट हो चुकी है। Oh,
मंडल
गाइस ये है गंगा आरती। हाँ इतनी सारी भीड़ उमड़ी हुई है, देखिए आप। ये हमारा वाराणसी का प्रमुख घाटों में से एक घाट अस्सी घाट है। So guys, गंगा आरती के बाद अभी मैं निकल गया हूँ बोट पे, जो कि मुझे सारे जो जितने भी घाट हैं हमारे वाराणसी में सबके दर्शन कराएगी। और अभी मैं हूँ बोट में और यहाँ से मैं सारे जितने भी हमारे घाट हैं सब जगह दर्शन कर सकता हूँ जाके। और चलते हैं गाइस से। गाइस ये है बोट, कितनी शानदार है, वही लाइटें लगी है ऊपर से। अब यहाँ से हम करेंगे पूरा दर्शन, गंगा दर्शन, सारे घाटों का दर्शन कराते हैं भैया। गाइस चल पड़ी है बोट और हम करते हैं अपना सफर स्टार्ट। क्या व्यू है, मजा आ गया यार। अब जाके ना कुछ ज़्यादा मुझे ठंडक मिली है, मतलब ठंडी ठंडी हवा आ रही है गंगा की ना। अभी मैं बिल्कुल ना फ्रंट पे बैठा हूँ, आप देखो ना सारे लोग मेरे पीछे ही बैठे हैं। काफ़ी अच्छा है, मज़ा आ रहा है यार। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever. इस तरह की छोटी-छोटी बोटें भी हैं यहाँ पे, देखिए सामने आप। ये हमारे सारे वाराणसी के घाट, जो कि पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में फेमस है। और साथ में ही माँ गंगा का अद्भुत दृश्य। ये देखो गाइस, ये लग रहा है पायरेट्स ऑफ कैरेबियन वाला जहाज।
गाइज फाइनली मैं आ गया हूँ अभी बोट से वापस। सो गाइज कैसा लगा आपको मेरा आज का ये ब्लॉग, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।